देखिए ब्रेकर के इसमें ये आपका जो ग्रीन वाला बटन है इसको ऑन बटन बोलते हैं, इसको ऑफ बटन बोलते हैं, और ये जो टी वाला हैंडल आप देख पा रहे हैं ये चार्जिंग है बिल्कुल। और ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है ये नहीं है वो आप इस वाले इंडिकेशन वाले एरिया में देख सकते हैं, और ब्रेकर ऑन है या ऑफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रेकर पे आई और ओ लिखा होता है, कितने लोगों ने देखा है? एक दो तीन चार, अच्छा आई और ई का मतलब, आई और ओ का मतलब कौन क्या होता है ये कौन बताएगा? इनका मतलब अंदर, ठीक है, इनका मतलब अंदर इनपुट, इनका मतलब होता है इनपुट ऑन। हमारे यहाँ इंडिया में हम ऑन या ऑफ जानते हैं, और विदेश में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो आई और ओ यूज की जाती है। ब्रेकर्स पे ये सब इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जो ब्रेकर है ये हमारे पैरासिटिक जहाज टेक्नोलॉजी का है, लेकिन अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करें और शुद्ध हिंदी में बात करें आई का मतलब है ऑन और ओ का मतलब है ऑफ। इसके अलावा जो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है, जो भी ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करने के लिए जो हम हैंडल इंसर्ट करते हैं इस एरिया में करते हैं, उसके लिए सबसे पहले ऑफ बटन प्रेस करके रखना पड़ता है तभी ये फ्लैग खुलता है। इससे बेनिफिट क्या है कि कोई भी ऑपरेटर चाहे वो अनजान हो चाहे वो पहली बार ऑपरेट कर रहा है, किसी भी हालत में ब्रेकर ऑन कंडीशन में बाहर नहीं आएगा। ब्रेकर को पहले ऑफ किया जाएगा उसके बाद ही ब्रेकर बाहर आएगा, और ये इसका सेफ्टी फीचर है। कोई जानबूझ के भी कोशिश करना चाहेगा, कोई शरारत भी करना चाहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले उसको ये ऑफ बटन दबाना ही पड़ता है तभी हैंडल इसमें इंसर्ट होता है। कोई भी वॉलंटियर जवाब देगा? देखो जरा वीडियो देख लीजिए फिर ये वाला क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट जगह पे प्लास्टिक की ग्लास की विंडोज दी है, ये देखिए ये फ्लैग दिए हुए हैं और यहाँ पे लॉक लगाने की जगह दी हुई है। अब इसमें दिखा रहे हैं आपको कि स्प्रिंग चार्ज है या अनचार्ज है। स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए आपको हैंडल को 6 से 8 बार पंप करना है। येलो वाला इंडिकेशन आ गया स्प्रिंग आपका चार्ज हो गया, ये ग्रीन वाला बटन दबाने के लिए फ्लैग ऊपर कीजिए और उसके बाद ये ब्रेकर आपका ऑन हो गया। इसी ब्रेकर को आप यहां से ऑफ बटन से ऑफ कर सकते हैं, ये ब्रेकर आपका ऑफ हो गया। और ब्रेकर किस पोजीशन में है, कनेक्टेड पोजीशन में है या टेस्ट पोजीशन में है या बिल्कुल बाहर है आइसोलेट है, वो इस विंडो से आपको पता चलता है। तो एक क्वेश्चन बीच में आया है कि इसको एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं? गुड, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। देखो दिस इज अ गुड फोरम जहाँ पे हम आपस में अपनी क्वेरी समझते हैं, जो दिमाग में जो हमारी चलती रहती हैं टेक्निकली जो क्वेश्चन चलते रहते हैं वो पूछने चाहिए। अभी क्या है कि आप ये डर के मारे क्या पत्नी अगले लोग क्या सोचेंगे या साहब क्या सोचेंगे या दोस्त क्या सोचेंगे, तो वो क्वेरीज दिमाग में उसके साथ सारी जिंदगी ऐसे यहीं की यहीं रह जाती हैं। जैसे आप पूछ लोगे या तो आपको उसका आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, अदरवाइज फिर वो हमेशा के लिए दब जाएगी। जैसे पूछा इन्होंने एयर सर्किट ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर ही क्यों कहते हैं, कोई अंदाजा लगाना चाहेगा, कोई रिप्लाई करना चाहेगा? जी प्लीज। ये जो कॉन्टेक्ट जो बनता है सर जी एयर में आपस में जो करते हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया है सर ने, सर्किले की बात ताली तो बनती है। सिंपल सी भाषा में आपको समझाते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में, जो भी ब्रेकर के कॉन्टेक्ट जिस मीडियम में बनते हैं, मीडियम मीन्स जिस माध्यम के अंदर बनते हैं, उस माध्यम के हिसाब से उसका नामकरण हो जाता है। कौन कौन से माध्यम होते हैं? एक तो एयर होती है, एक ऑयल होता है, तेल जो पहले जमाने में जो है ऑयल वाले ब्रेकर होते थे पहले, और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है कौन कौन सी आ रही है? जो माध्यम के अंदर में कॉन्टेक्ट खुलेंगे और बंद होंगे उसी माध्यम के हिसाब से उस ब्रेकर का नाम दे लिया जाएगा। ये वाला जो हम ब्रेकर यूज कर रहे हैं 415 वोल्ट, इसकी जो वोल्टेज है ये उस वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट को या उस वोल्टेज की जो करंट को हम आराम से जो है ब्रेक कर सकते हैं, क्वेंच कर सकते हैं एयर में, आप एयर में आराम से घुस सकती है, तो इसलिए हम इसको एयर सर्किट ब्रेकर का नाम भी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है तो जो आर्क है, जो आग निकलती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, या तो इसके लिए हमें एयर से बेहतर कोई मीडियम चाहिए
या फिर हम ब्रेकर का साइज इतना बड़ा बना दें कि कॉन्टेक्ट इतने बड़े बड़े कर दें कि तब जो है उस केस में वाइबल नहीं होगा, पैनल्स का साइज बनाना, बस बार बनाना, वो वाइबल नहीं होगा। तो टेक्निकली का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 415 तक एयर में, उसके बाद फिर आप SF600 ब्रेकर, जितने भी एसटी के बड़े बड़े ब्रेकर हैं, 33 KV, 66 KV, सब जो है आपके SF6 वगैरह टेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एयर सर्किट ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं।